वाल्मीकि नगर से ही है, वाल्मीकि नगर से बारात निकलेगा। आज हम बारात निकाल रहे हैं, कलकत्ता मटकोर कराए हैं और थोड़ा सा हरासमेंट के कारण हम शूट नहीं कर पाए हैं कलकत्ता मटकोर ब्लॉग, पर अभी बारात निकाल रहे हैं। अभी हम सीढ़ी लेकर आए हैं, थोड़ा सा कुम्हार वाला नियम होता है, और हम और हमारे भाई विनीत ये हम लोग जस्ट सीढ़ी लेकर ही आ रहे हैं। और ये हमारे क्लाइंट का घर है पेट्रोल पंप के पास, और अब हम परछाव निकालेंगे तो दिखाएंगे। फिलहाल अंदर चलते हैं, लड़कों को नहावाना है, दुल्हा नहाने जा रहा है, मिलते हैं दुल्हा के नहाने के रेडी होने के बाद परछाव। हम पूरा रेडी हो गए हैं और लगभग सब लोग रेडी हो चुके हैं, बारात निकलने वाला है। दुल्हा गए हुए हैं मंदिर में घोड़ लागने, विनीत बाबू वहीं गए हुए हैं, आते हैं तो परछाव में थोड़ा सा इंजॉय होगा। हम इंजॉय भी आपको दिखाएंगे और शादी भी दिखाएंगे। प्लीज़ वेट एंड कीप वाचिंग। सफ़र कर रहे हैं एंजॉय के साथ पूरा, मिलते हैं आपको जब होटल में पहुँचते हैं। तो हम खुला रोड पे ही हैं और यहाँ से बारात सज कर जाएगा बारात होटल की तरफ। हम लोग पहुँच चुके हैं, ये पीछे हमारी बस है एक, और पीछे एक वहाँ लगी हुई है दूसरी बस, दो, एक एसी एक नॉन एसी। हम लोग नॉन एसी में आए हैं क्योंकि नेचुरल आदमी नेचुरल हवा खाने में मज़ा आता है। मिलते हैं बारात सजता है। काफ़ी आंधी और तूफान चल रहा है और इसी पर हम लोग बारात निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान चल रहा है, बहुत गंदा। समझ नहीं आ रहा है काम कैसे होगा, आंधी पूरा उठ चुका है। मिलते हैं आपको। गाइस जयमाला हो गया, एंजॉय के साथ पूरा मजा आ गया।
जगह बहुत गंदा है और मन नहीं कर रहा है, भूख लगा हुआ है लेकिन मन नहीं कर रहा, भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। एक्शन हो गया है, अब कन्यादान होने जा रहा है। ये विनीत बाबू जो नींद से पूरा मते हुए हैं, विनीत जी क्या हाल है, ठीक ठाक? नींद आ रही है, पूरा आँख लाल हो चुका है, ओम फो धराटे काट रही है एकदम। पिछले वाले ब्लॉग में एकदम सो रहे थे, इस बारे में भी नींद आ रही है क्या? नहीं, वो भी पड़ोना में थी, ज़्यादा दूर नहीं है, यही बगल में पड़ोना। विनीत बाबू का हाल देखिएगा, चेहरा खराब लोग बोलते महाराज। तीसरा कहती है बतु पास जान दान आने से जड़ा भावा स्वभाव जाए आज के कार्य था प्रकाश कम दिए और दान हे पति दे सत उद्यापन दान दोनों नींद से मते हुए हैं और इस हर कृत्य में आप कभी भी विघ्न न डालें, यह मैं आपसे तीसरी याचना करती हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई व्रत रख रही है पूरा आग बता रहा है, आग दिखा, आग दिखा, आग देख लीजिए गर्दन के कमाल है, पर ये पसीना बहुत है, गर्मी हाय गर्मी। गाना बजाएंगे, देख रहे हैं पसीना बहुत ज़्यादा, पर पंखा भी नहीं चल रहा है, बंद रूम चार दीवारी बैठ जाइए ना, शादी खत्म हो चुका है, लगभग लगभग सभी समाप्त हो चुका है, बस विदाई बाकी है। और मतलब उधर दुल्हन को सजाया जा रहा है, उसका गाना पहनाया जा रहा है, इधर हमारे साथ विनीत बाबू बैठे हैं। और विनीत बाबू को थोड़ा सा साइड में अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए आप लोग तो, अरे जुमरा भाई साहब जूम नहीं हो रहा हमारा फ़ोन। ये उधर दुल्हा भाई बैठे हुए हैं, उधर दुल्हा जी हैं और इधर विनीत बाबू। हम लोग काम ख़त्म कर दिए हैं, बस विदाई बाकी है, विदाई ख़त्म, शूट ख़त्म, मिलते हैं विदाई कराने के बाद वाल्मीकि नगर। फिलहाल पढ़ाना है, कब विदाई होता है देखते हैं, पता नहीं है। विदाई होते होते एक डेढ़ दो घंटा लग ही जाएगा विदाई होने के बाद। हम बड़ी धीरे 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 जाए सस्ता के कुछ महंगा पड़ जाए। सारा होशियार है, किनारे बड़ी है। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, हमारा साटा ख़त्म हो चुका है और हम इस समय रेस्टोरेंट जो है थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद घर हम जाएंगे। विनीत मैं हमारे था, फिर मिलते हैं हम आप जाल अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सबके पास अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें भाई, ना आप सब्सक्राइब करना भूलें ना किसी और को भूलने दें, याद दिलाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।